हेलो दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी एसेट्स कैसे बनाई इस पर 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं। उनमें से कई बेहतरीन भी है, लेकिन ऐसे बुक्स बस कुछ ही हैं जो इस पर अच्छे से ध्यान देती हैं। बफेट की एसेट्स सिर्फ उनके एक अच्छा इन्वेस्टर होने के कारण नहीं है, बल्कि बचपन से ही अच्छा इन्वेस्टर होने के कारण है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 103 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,300 करोड़ भारतीय रुपए हैं। इसमें से लगभग 84.2 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने फिफ्थ बर्थडे के बाद हासिल की है और 81.5 बिलियन डॉलर लगभग अपने 65 साल की एज में पूरी करने के बाद आई है, जिसे हम रिटायरमेंट की एज भी कहते हैं। वॉरेन बफेट एक अच्छे इन्वेस्टर है, लेकिन अगर आप उनकी सारी सक्सेस को इन्वेस्ट की शार्पनेस से जोड़ते हैं तो आप मेन पॉइंट को छोड़ देंगे। उनकी सक्सेस का रियल सीक्रेट ये है कि वे काफी टाइम तक एक अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। दोस्तों, अगर उन्होंने 30 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 की एज में रिटायर हो गए होते तो शायद ही किसी ने उनका नाम कभी सुना होता। बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। 30 की एज तक पहुँचने तक उनकी नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर थी। इसे लगभग अगर हम आज की इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो ये 9.3 मिलियन डॉलर होती है। लेकिन अगर बफेट कोई कॉमन आदमी होते जिसने अपनी टीनेज और यंग एज दुनिया घूमते हुए अपने शौक पूरे करते हुए बिताई होती और 30 की एज में उनके नेटवर्थ 25,000 डॉलर होती और मान लेते कि वे फिर भी अच्छे एनुअल इन्वेस्ट पर प्रॉफिट कमाने में केपेबल रहते तो उन्होंने बनाया यानी लगभग 22% हर साल की रेट से, और 60 की एज में इन्वेस्ट करना छोड़ देते जिससे वो अपने रिटायरमेंट का मजा ले सके, तो आज उनकी नेटवर्थ कितनी होती? 103 बिलियन डॉलर तो नहीं, ये होती लगभग 11.9 मिलियन डॉलर यानी उनके रियल नेटवर्थ से 99.9% कम। दोस्तों, वॉरेन बफेट की फाइनेंशियल सक्सेस को उस फाइनेंशियल बेसिक से जोड़ा जा सकता है जो उन्होंने अपने यंग एज में बनाई और अपनी ओल्ड एज में भी कायम रखा। इन्वेस्ट उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। दोस्तों, कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करती है। अब इसे अलग तरह से देखिए, बफेट अब तक के सबसे अमीर इन्वेस्टर है, लेकिन रियल में वे सबसे ग्रेट नहीं है, कम से कम जब एवरेज एनुअल रिटर्न से देखा जाए तो। हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के हेड जिम सिमंस ने 1988 से लेकर हर साल करीब 66% की रेट से पैसे की कंपाउंडिंग की है, जबकि बफेट का 22% रिटर्न उनका बस एक तिहाई है। जिम सिमंस का नेटवर्थ इस टाइम 29 बिलियन डॉलर है। शायद आपको लग सकता है कि ये तो बफेट से 75% कम अमीर है। अगर सिमंस इतने अच्छे इन्वेस्टर है तो फिर बफेट से पीछे क्यों? क्योंकि सिमंस से 50 साल की एज तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया था। बफेट के कंपैरिजन में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम टाइम था। अगर जेम्स सिमंस ने बफेट की तरह 70 साल के होने तक 66% की रेट से एनुअल प्रॉफिट कमाया होता तो उनकी एसेट्स बफेट की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा होती। दोस्तों, अब बात असल में ये है कि ग्रोथ में छोटे लगने वाले बदलाव मजाकिया और अनरियलिस्टिक डेटा को जन्म दे सकते हैं। इसलिए जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ भी इतना पावरफुल कैसे बना, जितना ग्लेशियर या फिर वॉरेन बफेट इतने अमीर क्यों बने, हम अक्सर सक्सेस के मेन फैक्टर को अनदेखा कर देते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि अगर हमें कम एज में ही ये समझ आ जाता कि सेविंग और इन्वेस्टिंग कितना जरूरी है तो रिटायरमेंट तक उनके पास बहुत सारे पैसे होते। दोस्तों, अगर मैं आपको 8+8+8+8+8+8+8 यानी 8 को 9 बार जोड़ने को कहूँ तो शायद आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जिसका आंसर होगा 72। वहीं अगर मैं आपको 8+8+8+8+8+8+8+8+8 का हिसाब लगाने को कहूं तो आपका सर फट जाएगा, क्योंकि ये होगा 13,42,177। दोस्तों, कंपाउंडिंग के सिंपल नेचर के अपोजिट होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी पावर को अनदेखा कर सकते हैं। इसमें रिस्क इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सिंपल ना हो, हम अक्सर इसको अनदेखा कर देते हैं और दूसरे मीडियम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं,
इसलिए नहीं कि हम हद से ज्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सक्सेस के बारे में बता रही 2000 किताबों में से किसी एक का भी टाइटल ये नहीं है कि ये पर्सन लगातार काफी टाइम से इन्वेस्ट करता रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी सक्सेस का कारण यही है। और इस गणित को समझना कठिन है क्योंकि ये सिंपल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट शुरू करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए, अच्छा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, इकोनॉमिक साइकिल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और सेक्टर बेट पर कई बुक्स हैं, लेकिन सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट बुक का नाम शट अप एंड वेट, यानी चुप रहो और इंतजार करो होना चाहिए। यहाँ सीख ये है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, अगर हम बफेट के लाइफ से केवल ये एक चीज सीख ले तो सिंपली ये अमीर बनने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन दोस्तों, अच्छे इन्वेस्ट का मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाने से नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट अक्सर रिस्की होता है, जो दोहराए नहीं जा सकते। उसका मतलब वो अच्छे प्रॉफिट कमाने से है जिन्हें आप बरकरार रख सके और जो एक लंबे टाइम तक दोहराए जा सके, तभी कंपाउंडिंग बढ़ती है। इसके अपोजिट ज्यादा प्रॉफिट जिन्हें बरकरार ना रखा जा सके अक्सर सैड स्टोरी बन जाती है। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तब ज्यादा मिलेगा जब आपका इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म तक का होगा, इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट और सेविंग पर ध्यान दिया जाए। जितनी जल्दी इन्वेस्ट शुरू कर देंगे आपको कंपाउंडिंग का उतना ही फायदा मिलेगा। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 5000 रूपए मंथली SIP का प्लान 10 साल के लिए किया है, अगर आपको 10% सालाना रिटर्न मिले तो आप 10 साल बाद 10.5 लाख फंड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इन्वेस्ट 20 साल के लिए होगा तो समान मंथली इन्वेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न पर मेच्योरिटी अमाउंट 38.3 लाख रुपए होगी। दोस्तों, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचते तो है लेकिन उसे अच्छे से समझते नहीं। कुछ लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो हर साल रुपए बचाएंगे तो कुछ सालों बाद वो कितने होंगे। कुछ इस पर साधारण इंटरेस्ट के तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उन्हें लगता है कि पैसे बचाने से बेहतर है खर्च करना। हालांकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, यानी अगर आपने आज कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाकी की बात ही टू बी कंटिन्यूड। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।